नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। शासन द्वारा किसानों को उपार्जित गेहूं को समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए भितरवार नगर में भी ई उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, जहां क्षेत्र के किसानों की फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। लेकिन पिछले 8-10 रोज खराब मौसम के कारण खरीदी का कार्य प्रभावित हो गया। साथ ही बारदाने की समस्या भी संबंधित ई उपार्जन केंद्रों पर आई है। वहीं से बीच में चल रही खरीदी को लेकर एक संशय खाद आपूर्ति निगम और FCI के बीच उभर कर सामने आया। पहले ही उपार्जन केंद्रों पर जहां किसानों के गेहूं को खाद आपूर्ति निगम अपने प्राइवेट गोदामों में कर रहा था, लेकिन सभी गोदाम फुल हो जाने के बाद गेहूं के भंडारण की समस्या आई तो FCI में गेहूं का भंडारण करने की प्रक्रिया शुरू की गई। लेकिन FCI के मानक के अनुसार खरीदी ना होने के उपाय खरीदी कर रही संस्थाओं से गेहूं को जमा करने की समस्या खड़ी हो गई। इसी उपाय के बीच उपार्जन केंद्रों पर किसानों की करीबन 1.5 से 2 हजार ट्रॉली गेहूं की आकार 10 से 15 दिन बीत जाने के बावजूद ही खड़ी रही है। तुम कह रहे हो कि मैं खरीदी में